आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, खबरें फटाफट में आपका स्वागत है, मैं हूं सुगंधा। यूपी के बुलंदशहर में एक ऐसी लोमहर्षक घटना घटी जिसे जिसने भी सुना दांतों तले उंगलियां दबा ली। एक मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से 7 किसानों पर हमला कर दिया जिसमें 2 की मौत हो गई। खेतों में काम कर रहे किसानों पर भी फावड़े से सिरफिरे युवक ने हमला किया जिसमें एक महिला भी शामिल थी। सिरफिरे युवक ने कुल 7 किसानों पर फावड़े से वार किया। सभी घायल किसानों को अस्पताल पहुंचाया गया है जिसमें 2 किसानों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला बुलंदशहर जनपद के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित माजरा परवाना गांव का है। बताया जा रहा है कि रास्ते में जो मिला सिरफिरा युवक सभी पर हमला करता चला गया। पुलिस की जांच के मुताबिक 7 लोगों पर वार किया गया। 5 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हमला करने के बाद मंदबुद्धि युवक फरार हो गया था जिसे हिरासत में लिया जा चुका है। घटना स्थल से पुलिस ने बलकटी और फावड़ा भी बरामद कर लिया है। तो तुरंत तो थाना खानपुर के माजरा गांव में एक मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब व्यक्ति के द्वारा फावड़ा लेके घर से निकला और रास्ते में जो लोग मिलते गए उनको घायल करता गया। कुल 7 लोगों को इसके द्वारा घायल किया गया जिसमें से अब तक की जानकारी के अनुसार 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिला अस्पताल में आ गए हैं। शेष का इलाज PSC पे हो रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ से वो भाग गया था मौके से। रास्ते में हमारी एक दूसरी टीम उधर से गुजर रही थी, भागते हुए आदमी को देखकर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उसके शरीर से खून के छींटे थे, उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है और फावड़ा जिसका इस्तेमाल इसके द्वारा किया गया वो मौके पे है। पुलिस टीम वहाँ पर मौजूद है। एडिशनल SP CO वहाँ पर हैं। मैं जिला अस्पताल में हूँ घायलों के इलाज के लिए। अब इसमें 2 चीज़ उल्लेखनीय है। एक तो इसका किसी से कोई विवाद नहीं था। जो घायल हैं सब अलग अलग परिवार के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा ये घटना की गई। ये था हमारा खबरें फटाफट। आप देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।